बसमलर रहीम अल्हिला वसलम उलाफिल महमदिन व्यबी तहरी महमद्दिन वाल महमद व्दात मजमी अम्मा बदो फ़कत क़ाला हकम फ़ी किताबिल्मजीद बसमिलरीम बक़ैतल खैरकूम नाजर कल सामकम वरम वबरक़ा इमाम मूसी काविमल सलासलम के एजाज़ और उनकी करामतें इमाम एक काजी मिसलात का दौर बड़ा पूरा शोक था लेकिन इसी के साथ साथ इमाम ने नेल्हिकमत को कि जो वाक़ा अल्लाह जिसे बाकी रखे उसे उसके अमूर को और उसके मनसब को इसी तरीके से उसकी रवायात को लोगों तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता इसलिए कि अल्लाह ने बक़िया करार दिया ब़ैयतल्ला जाता है हर इमाम को ब़ैतुल्ला कहा जाता है ने मोहरम नाजी कराम इमाम ने किस तरीक़े से लोगों की तरबियत की है खुद इमाम ने शियों के अपने मुहब्बों के खून को बचाने के लिए उनके हिफाजत जानुमाल की हिफाजत के लिए उनके अमूर में आसानी पैदा करने के लिए अपने एक सहाबी और अपने एक साथी को अपने एक बाफ़ा साहबी को हुकूमत में जो है भेजा हुकूमत में आमिल हैं किसके बद्बास की हुकूमत में आमिल कौन है वो इमाम के जो है वो सहबी अली इबन यकी बड़े मुतबर साहबी हैं लेकिन आप सोचें कि जहाँ एक तरफ इमाम मना करते हैं मनसब खिलाफत और इस तरीक़े से हुकूमत की लालच और जाहो तलब में लेकिन वहीं पर इन्होंने इमाम से पूछा इमाम ने कहा नहीं तुम बाकी रहो तुम उस अमूर को संभालो क्यों ताकि इमाम चाहते थे कि हमारे शीरों हमारे चाहने वालों की जान बच सके इनके ज़रिए से उनके अमूर को आसान किया जा सके और उनकी हिफाजत की जा सके लेकिन इसी के साथ साथ इमाम गाफिल नहीं है इमाम को पता है किस तरीक़े से हमें हिफाजत करनी जनाब इब्राहिम जमाल जो इमाम के एक चाहने वाले हैं साथी हैं वो एक किसी अमूर के तहत अली इब्ने यकन से इजाज़त लेते हैं दरवाज़े पर लेकिन अली इब्ने य मना कर देते हैं उनके दाखिल होने से लिहाजा मामला तमाम हो गया वो घर वापस चले गए अब अली अलीन यकीन जब हज के लिए मक्के आए हैं और उसके बाद जब इमाम मूसी काज की ज़्यारत से शरफ़ होने के लिए इजाज़त तलब करते हैं तो इमाम इनको मिलने से मुलाकात से मना कर देते हैं ताजुब करते हैं उसके बाद दूसरे दिन इमाम से इनकी मुलाकात हुई रास्ते में तो इन्होंने कहा फर्जंद रसूल आपने मुझे मना कर दिया मुझसे मुलाकात नहीं की वजह क्या है सबब क्या है मेरा कसूर क्या है तो एक मरतबा इमाम कहते हैं कि जिस तरीक़े से तुमने मेरे एक चाहने वाले इब्राहिम जमाल को मिलने से मना कर दिया था उसे दरवाज़े से पलटा दिया था तो एक मरतबा इमाम ने मतव किया कहा तुम्हारी कोशिश व काविश को कबूल नहीं करेगा जो तुम उमूर में और जो तुम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हो अल्लाह कबूल नहीं करेगा मगर ये कि इब्राहिम जमाल तुमसे राजी हो वो तुम्हें माफ़ कर दे वो कहते हैं मौला वो कोफे में मैं यहाँ मदीने में हूँ कैसे मुमकिन है आप कैसे मुझसे राजी होंगे और इमाम भी कहते हैं कि मैं भी उस वक्त तक राजी नहीं हूँ जब तक मेरा जो है वो चाहने वाला राजी तो कहा क्या अब देखें यहाँ पर एक तरफ इमाम ने तरबियत की है कि ऐसा नहीं है कि तुम हुकूमत में आमिल हो लिहाजा तुम हमारे किसी चाहने वाले से गाफिल हो जाओ तुम किसी को हकीर समझो वहीं पर इमाम ने अपना एजाज़ और अपनी करामत भी दिखाई वो क्या कहते हैं कि मौला अभी कैसे मुमकिन है कहा सुनो जब रात की तारीकी हो जाए तो बकी में जाना वहाँ पर एक सवारी तैयार मिलेगी लिहाजा कोई खादिम तुम्हारे साथ ना हो कोई तुम्हारा चाहने वाला जानने वाला तनहा जाना इमाम ने अपनी करामत दिखाई दिखाया कहा मौला मदीना और कोफ़ा कितना फ़ासला है कहा जैसे कहा तुम उस पर सवार होना और तुम पहुंच जाओगे वो कहते हैं कि मैं गया और बकी में सवार हुआ उस सवारी पर और अभी मैं देखता हूं कि मैं इब्राहिम जमाल के दरवाज़े पर मौजूद हूँ सफ, सफान जमाल के दरवाज़े पर मैं मौजूद हूँ कहा मुझे ताजुब हुआ एक मरतबा मैंने दखुलबाप किया अंदर से आवाज़ मैंने कहा अली इब्न ख़ी उन्होंने कहा मुझे कोई काम नहीं है आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए कहा कि नहीं इन्होंने वास्ता दिया कि नहीं यकीन आप दरवाज़ा खोलें इसलिए कि मैं बगैर आपसे माजरत किए नहीं जाने वाला दरवाज़ा खोला कहा मुझे माफ़ कर दें बताया कज़िया कि मैं इमाम के पास गया था और इमाम ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा जब तक तुम्हें मेरा चाहने वाला माफ़ न कर दे तो इन्होंने कहा मैंने माफ़ किया मेरे अल्लाह ने माफ़ किया कहा नहीं ऐसे नहीं बल्कि मेरा रखसार होगा आपके कदम होंगे और आप इस तरीक़े से अपने क़दमों को मेरे रखसारों पर रखें ताकि मैं अल्लाह को गवाह करार दे सकूँ इनकार किया किया, लेकिन जब इन्होंने सरार किया तो उन्होंने यह अमल अंजाम दिया इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करार देता हूं फिर उसके बाद ये वापस सवारी पर सवार हुए और चश्मे ज़दन में वापस मदीने पहुंच गए यानी इमाम के हुक्म से इमाम का चाहने वाला वो अर्ज कर सकता है इमाम चाहे तो ज़मीन की मसाफतें सिमट सें जाएँ और बकी से लम्हों में चश्मे ज़दन में कोई जो है वो कोफे तक पहुँचे अब अगर अमीरुल मोमिनीन जो कुल किताब के मालिक हैं जो ख़ुद इमाम मुबीन हैं अगर वो रसूल के बुलाने पर लमहे में मदीने से खैबर पहुँच जाए तो मुसलमान तजुब करते हैं कि कैसे अली इतने कम फासले में जब एक इमाम का चाहने वाला इमाम के हुक्म से लम्हे में वो इतनी मसाफत तय कर सकता है तो जो इमाम कुल है उसके अंदर यह अख्तियार क्यों नहीं हो सकता इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है लिहाजा इमाम ने माफ किया और इमाम ने उनसे मुलाकात की उन्हें गले से लगाया लिहाजा इमाम ने एजाज भी दिखाया तरबियत भी की इसी तरीके से इमाम ने अपने साथियों को हमवार किया और एक पैगाम इम का जखीरा उनके हवाले किया इमाम को आलिम आल मोहम्मद तकीता चुकी बहुत सी चीज़ें हैं जो तकये का दौर था लिहाजा कुल इमाम का जो लकब आलिम आल मोहम्मद अशाब अजल्ह समझ जाते थे कि इससे मुराद जो है वो इमाम काबिल मा ख़ुद आप देखें तो अबू हनीफ़ा जैसे मुसलमानों के इमाम वो जानू अदब तय कर रहे हैं किसके पास इमाम के पास खुद इमाम सलाम की कमसनी का आलम है लेकिन अबू हनीफा सवाल करते हैं और इमाम ऐसा जवाब देते हैं कि अबू हनीफा जो इमाम है मुस्लिम के जो फ़कीह हैं वो भी हैरान हैं कि एक कमसिन बच्चा हमारे सवाल का इस तरीक़े से जवाब दे रहा है और इमाम असलातुसम हर मखलूक चूंकि इमाम हर मखलूक के इमाम हैं लिहाजा रवायात में है कि इमाम खेलते नहीं इमाम कूदते नहीं इमाम का लहवोलाब भी हमत से खाली नहीं है वो अगर बज़ाहिर उम्मत समझ रही है कि वो खेल कूद में मशहूल है लेकिन इमाम वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक गोसफंद का बच्चा है इमाम उसके आ, कान को पकड़ के कह रहे हैं उस जुदील ला रबिलमी तो अल्लाह यानी इमाम एक बेजान बे, बे यानी बेजबान जानवर या जो कहें एक हैवान से भी क्या कह रहे हैं कि अल्लाह का सजदा करो यानी सोचे कि जो इमाम यानी जानवर हैवान को भी अल्लाह के सजदे का हुक्म दे रहे हैं वो इमाम कैसे पसंद करेंगे कि उनका कोई चाहने वाला उनका कोई शिया वो सजदे से गाफिल हो इबादत से गाफिल हो और अल्लाह की वहदानियत से गाफिल नजर आए लिहाजा इमाम का अगर चाहने वाला है इमाम का शिया है तो इमाम के इल्मिकमत परमल करे इमाम की रवायात बिलखसूस हम जो अयाम हैं वदत के उस पर जिस सात सफ़र इसी तरीके से बाज़ ने कहा है कि बीस ल्जा को इमाम की विलादत है इस विलादत के मौके पर अहतमाम करें अपने बच्चों को अपने छोटे भाइयों को अपनी कौम को इमाम के मारफ से आशना कराएँ और इमाम की रवायात को अपने बच्चों में नाफिस करें ताकि हमारी औलाद भी इमाम की सीरत और उनके हुक्म परमल कर सकेकुमिल वरकू